भोजपुर जिले के जगदीशपुर में इन दिनों हुनर हाट चल रहा है। इस हुनर हाट के जरिए गांव की महिलाओं को रोजगार देने के साथ आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। इसमें दस्तकारों, शिल्पकारों, कारीगरों और उससे जुड़े लोगों को इस बेरोजगारी में रोजगार के अवसर मिलने लगे हैं। आपको बता दें, हुनर हाट में स्वदेशी सामानों को बढ़ावा दिया जाता है। वैसे ही जगदीशपुर के हुनर हाट में वेस्ट मटेरियल से खिलौना, घर से लेकर ऑफिस, दुकान, शादी समारोह में सजावट की सामग्री जैसी जरूरत की चीजें बनाई जा रही हैं। साथ ही गांव और शहर से गायब हो रही पिंडिया, कपड़ों की वॉल हैंगिंग जैसी परंपरागत कलाओं को उभारने की भी कोशिश की जा रही है। इसमें गांव की महिलाओं को मुफ्त ट्रेनिंग दी जा रही है, जिससे महिलाएं आज के दौर में आत्मनिर्भर बने और अपनी कला और मेहनत से आगे बढ़े। 24 फरवरी 2021 को स्वयंसेवी संस्था जन विकास क्रांति द्वारा हुनर हाट केंद्र खोलने के बाद से जगदीशपुर और आसपास के देहाती क्षेत्र की जुड़ी महिलाओं के सपने, जो कोरोना और आर्थिक स्थिति की वजह से बंद हो गए थे, अब सपनों को पंख लगने लगे हैं। एक उम्मीद की किरण महिलाओं के सामने दिख रही है। पिछले साल हुनर हाट केंद्र का उद्घाटन किया गया था। इस दौरान 50 लड़कियां काम सीखी थीं और किया भी करती थी। अब उनकी संख्या 200 के करीब है। सभी औरतों लड़कियों को निःशुल्क शिक्षा दी जा रही है। हुनर हाट में ज्यादातर ऐसी चीजों का प्रयोग करना सिखाया जाता है जो वेस्ट या कबाड़ में फेंका गया हो। उन वेस्ट मटेरियल से बच्चों के लिए खिलौना, उपयोगी सामग्रियों समेत कई प्रकार की चीजें बनाई जा रही हैं। सभी महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। दीपावली के सजावट से लेकर तिलक, शादी, गृह प्रवेश में उपयोग, सजावट जैसी कई प्रकार के सामान तैयार किए जा रहे हैं, जिसे विदेशी सामान के मुकाबले आकर्षक दामों में बेचा जा रहा है। इससे महिलाओं की लागत के साथ मुनाफा भी कमा रही है। वो इस कला की मदद से आत्मनिर्भर भी बन रही है। संस्था के महासचिव हेमराज सिंह ने बताया कि जगदीशपुर एरिया में सबसे ज्यादा बेरोजगारी की स्थिति है, जिसे दूर करने के लिए वो और की टीम भोजपुरी हुनर हाट केंद्र में महिलाओं को मुफ्त प्रशिक्षण दे रही है। उन्होंने बताया कि वेस्ट मटेरियल से सामान बनाकर गांवों में बेचा जाता है, लेकिन अब भारत सरकार के पोर्टल पर भी उपलब्ध हो रहा है। साथ ही अमेजन, फ्लिपकार्ट जैसी ऑनलाइन शॉप पर भी कुछ ही दिनों में हमारा प्रोडक्ट दिखने लगेगा। जो भी महिलाएं अपने हुनर से खिलौने और उपयोगी सामान बना रही है, उसे उचित दाम पर सप्लाई करेंगी, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं आत्मनिर्भर हो सके। हमारे यहाँ महिलाएं प्रतिदिन जरूरत के हिसाब से 150 से 200 रुपए प्रतिदिन कमा लेती है। कुमारी स्नेहा सिंह बताती हैं कि भोजपुरिया हुनर हाट केंद्र में 15 दिनों की ट्रेनिंग महिलाओं को दी जाती है। इस दौरान प्लास्टिक की बोतल पर चित्र कला की ट्रेनिंग देती हैं। इसके साथ ही सभी के घरों में या अपने आसपास बेकार पड़े शादी के कार्ड्स, एक्स-रे फिल्म, चाय का कप, प्लास्टिक शीशे की बोतल, कार्टून, जूट के बोरे, पुराने दिए, मोम व लकड़ी के सामान रहते हैं, उससे समुचित उपयोग कर उसे आकर्षक रूप देकर हम अपने घर, ऑफिस, दुकान को सजाने के साथ उसे बिक्री कर आय भी कर रहे हैं। अब हम लोग आत्मनिर्भर बन रहे हैं, घर बैठे अपने हुनर से हजारों रुपए कमा रहे हैं। प्रशिक्षण ले रही सोनामुनी देवी ने बताया कि पहले हम लोग काम खत्म होने के बाद बेकार घर में बैठते थे, लेकिन स्नेहा दीदी ने हम लोगों को आत्मनिर्भर बनने के साथ साथ हुनर भी सिखाया। खाने के बाद हम लोग घर पर काम खत्म होने के बाद सीखे हुए कई तरह के काम को बनाते हैं और बाजार में बेचते हैं। इस हुनर से महीने में 8 से 10 हजार रुपए कमा लेते हैं। घर में बेकार बैठकर महिलाओं को कुछ सीखना और करना चाहिए, जिससे वो आत्मनिर्भर बने। वहीं गांव की शादी शुदा महिला पूनम देवी ने कहा कि आज के समय में हर महिला को आत्मनिर्भर होना चाहिए। 15 दिनों में हम लोग सीखने का काम किए हैं। आज घर परिवार संभालने के बाद भी थोड़ा समय निकाल कर काम कर लेते हैं। प्रतिदिन 200 से 300 रुपए कमा लेते हैं और परिवार का पालन पोषण कर लेते हैं। उषा कुमारी ने बताया कि वो 5 दिनों में ही क्राफ्ट के गुर को सीख चुकी हैं। वो प्रतिदिन खराब बेकार मटेरियल से जरूरत के सामान तथा सजावट के सामान बनाती और बाजारों में बेचती हैं, जिससे वो प्रतिदिन 200 रुपए कमा लेती हैं। वहीं सोनम देवी ने बताया कि घर बैठकर हम लोग अपना रोजगार कर सकते हैं। पर्व और त्योहार समारोह का मौसम आने के बाद डिमांड के अनुसार कीमत और भी बढ़ जाती है। हम लोग दावा पंचायत से हैं। स्नेहा दीदी हम लोग का 15 दिन का ट्रेनिंग दी है। हम लोग अपन सीख रहे थे और घर का कचरा सा डिब्बा डूबी है, उसको हम बनाएंगे, बनाकर बाज़ार में बिक्री करेंगे और बाल बच्चा का पासो पोलम करेंगे और आगे हम बनाएंगे, बाज़ार में बिक्री करेंगे। डेली 200 रुपया बनाएंगे तो एगो चीज़ पर 200 रुपया, जैसे मन चीज़ हो वैसे दाम होगा। और फिलहाल में हम बनाएंगे और 2 लोग 3 लोग पास में बोला कर सिखाएंगे। क्या नाम है? उषा देवी। अभी तो हमनी के कुछ ना कमाई नहीं जाए, लेकिन अब हमनी के परिश्रम करत नहीं जाए कि हमनी के 100 रुपया कमाई जाए। अभी तो 15 दिन के ट्रेनिंग बीतला के बाद में हमनी के
शादी ब्याह में फंसा रही जाए। मेन ज़्यादा हम जो महिलाएं हैं और एसएचजी महिला मेंबर्स को लेते हैं, क्योंकि उस तो जो इनकम होता है, चाहे जो वेस्ट मटेरियल, ज़्यादा हम वेस्ट मटेरियल पे फोकस देते हैं। जो घर में कचरा होता है, जैसे डब्बा हो गया, सॉस का बोतल हो गया, पानी वाला बोतल हो गया, उस पर क्राफ्ट घर के सजावट के चीज़ का आराम से वो लोग बना लेती है और ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगता है, थोड़ा सा कुछ खर्च लगता है उसमें। अच्छा गुलदस्ता घर के सजावट का चीज़, जैसे डोरमेट हो जाते हैं पुराने कपड़े से, जो सिलाई करती है लोग, तो पूरा कचरा सिलाई का बच जाता है, तो उसका क्या उपयोग करना है वो लोग को बता देते हैं, तो आराम से वो लोग डोरमेट, कुछ लागत नहीं है लेकिन आराम से 50 रुपया 100 रुपया वो लोग का इनकम हो जाता है एक एक आइटम का। तो उसके अनुसार जितना वो लोग प्रोडक्ट बनाएगी उतना वो लोग का इनकम हो जाएगा। देखिए, हम लोग ने देखा कि हम लोग के क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या रोजगार की समस्या है, जिसको देखते हुए हम ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसी महिलाएं जो कुछ करने के लिए तैयार हैं उनको अपने साथ जोड़ करके हम प्रशिक्षण देते हैं और उनसे अपने आसपास पड़े हुए जो बेकार मटेरियल्स हैं, जो प्रोडक्ट बनने लायक है, उससे हम डेकोरेटिव आइटम बनवाते हैं और उसको बाज़ार में उपलब्ध कराते हैं, जिससे उनको एक अच्छा आय मिलता है और वो अपने परिवार को भरण पोषण कर सकती है। मुख्य रूप से तो हम अपने यह जगदीशपुर में ही भोजपुरिया हुनर हाट के माध्यम से बिक्री करते हैं। इसके साथ साथ हम ऑनलाइन प्लेटफार्म जो है उस पर रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया चालू किए हैं और वहाँ पे हम लोग इनके प्रोडक्टों को रजिस्टर्ड कर रहे हैं, जिससे इनको एक अच्छा बाज़ार मिल सके और अच्छा आय प्राप्त कर सके। हिमराज सिंह। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।